डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल। हम ये ट्रू और फॉल्स से बात शुरू करते हैं। विच आर ट्रू और विच आर फॉल्स इन फ्यूल सेल? ऑक्सीजन एक्ट एज फ्यूल। फ्यूल सेल में या किसी भी कंबस्टन के प्रोसेस में ऑक्सीजन फ्यूल के तौर पे यूज़ नहीं होता। ऑक्सीजन कंबस्टन के अमल को फैसिलिटेट करता है, लिहाजा फ्यूल सेल में ऑक्सीजन फ्यूल नहीं है। अदर देन ऑक्सीजन जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं डेट आर फ्यूल। इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिएक्शन हो रहा है कंबस्टन का, इसमें ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। इट मीन्स के जो भी दूसरा सब्सटेंस है डेट इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन इन फ्यूल सेल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, डेट इज ट्रू। एनोड एंड कैथोड ऑफ फ्यूल सेल आर इनर्ट। फ्यूल सेल में एनोड और कैथोड एक्चुअली इनर्ट होते हैं और वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। रिएक्शन में हिस्सा कौन लेता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइक अदर सेल्स फ्यूल सेल आल्सो प्रोड्यूस पोल्यूशन। ये पोल्यूशन फ्री सेल है अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। फ्यूल सेल इज सेकेंडरी सेल, ये रिचार्ज हो सकता है, डेट इज सेकेंडरी सेल, राइट। अब देखिए फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन, इसमें एनोड हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा एनोड पर और कैथोड पर ऑक्सीजन गैस ने रिएक्शन करना है। एक्चुअली एनोड और कैथोड बने एक इनर्ट मटेरियल से होते हैं, पोरस कंप्रेस्ड कार्बन। ये ग्रेफाइट या कार्बन के बने एनोड या कैथोड हैं, इम्प्रेगनेटेड विद प्लेटिनम विच एक्ट एज कैटलिस्ट। और इनके ऊपर प्लेटिनम को अटैच किया जाता है जो कैटलिस्ट का काम करता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं बना रहा, इलेक्ट्रोड कार्बन बना रहा है और उस पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहा है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, इट ये फैसिलिटेट करेगा रिएक्शन को। रिएक्शन में हिस्सा किसने लेना है? ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने, लेकिन ऑक्सीजन एज अ फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा। इट हेल्प इन कंबस्टन ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल को जलने में मदद देगा। फ्यूल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। आप देख लें, आप ऑक्सीजन तो लाजमी यूज़ करते हैं क्योंकि जलने का अमल ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकता। आप यहाँ पे हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं, अमोनिया यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन यूज़ कर सकते हैं या CH4 यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम केस में वाटर ने लाजमी बनना है और बाकी केसेस में नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। आप इस फ्यूल सेल की बात करते हैं, ये बेस्ट फ्यूल सेल है अगर आप फ्यूल हाइड्रोजन यूज़ करें और ये पोल्यूशन फ्री है। हम बाकी फ्यूल सेल में अगर आप मीथेन यूज़ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट बन सकती है, लेकिन फ्यूल सेल की हम जब भी बात करेंगे अगर कोई केमिकल गिवन नहीं दिए गए तो आप इसी फ्यूल सेल की बात करेंगे एंड इट इज़ पोल्यूशन फ्री। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में रिएक्शन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले उसके एडवांटेज देखिए। लॉन्ग लाइफ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लाइट वेट बिकॉज आप इसमें गैसेज यूज़ कर रहे हैं विच हैज़ लाइट वेट। सोर्स ऑफ वाटर, ये प्योर वाटर प्रोड्यूस करता है जो कि एस्ट्रोनॉट यूज़ कर सकते हैं एज आर ड्रिंकिंग पर्पज। वोल्टेज सेवरल किलो वाट आवर्स, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। रिचार्जेबल सेल है, यूज इन स्पेस क्राफ्ट। डिसएडवांटेज, इट वर्क एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर कंबस्टन का अमल हो रहा है तो हाई टेम्परेचर इसमें हमेशा रहेगा। इन फ्यूल सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ, हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं और इसके साथ ही हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एनोड पर आता है और हाइड्रोजन एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। आप दो हाइड्रोजन लेंगे तो दो एच बनेंगे। ये एच नीचे मौजूद इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं टू ओ एच और ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज एच टू ओ। तो एनोड पर ओवरऑल ये रिएक्शन हुआ, एच एच से कैंसिल आउट हो गए हाइड्रोजन, टू ओ एच नेगेटिव, आफ्टर रिएक्शन वाटर एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। एनोड पर हाइड्रोजन आया और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है अपनी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कैथोड पर ऑक्सीजन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में आप ले रहे हैं तो ये फोर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये रिएक्शन भी वाटर की मौजूदगी में होगा और यहाँ पे फोर ओ एच नेगेटिव आइंस बन जाएंगे। सॉरी, तो ये है रिडक्शन का अमल जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल हुआ जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए, कैथोड पर रिडक्शन का अमल हुआ जिसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किए। अब देखें, एनोड पर दो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, कैथोड पर फोर इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैलेंस में होने चाहिए, इसीलिए आप इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके ओवरऑल सेल इक्वेशन बना लेते हैं। डेट विल बी 2H2 प्लस O2 आफ्टर डेट 2H2O, राइट। इन फ्यूल सेल एट इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू डैश, ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू डैश, हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, वाटर हाइड्रोक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, डेट इज वाटर हाइड्रोक्साइड आइन। अब देखिए, प्रीवियस रिएक्शंस में हमने ये जब रिएक्शन किए तो हाइड्रोजन ने वाटर बनाया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोक्साइड आइन बनाए। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू हाइड्रोक्साइड आइन, सो राइट ऑप्शन इज वाटर एंड हाइड्रोक्साइड आइन्स। एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज 40%, 30%, 75%, 50%, 75% इज द राइट ऑप्शन। So that is the end of lecture. Thank you.